I'm Shlok. I'm Vidika. And welcome back to our channel, What the Fan. तो दो हमें बहुत लिटिल नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमें हाइप की बात भी और प्लस यार उर्वशी की बात भी, सो दैट्स एक्साइटिंग. और इन दिनों जितने मीम्स चल भी रहे हैं उसके हिसाब से भी हम काफी हद तक ऐसे, मतलब कितने सारे ऐसे मीम्स आ रहे तो समझ नहीं आ रहे बिकॉज हमें लो नॉलेज है. तुम दोनों ये करना बंद करो. हाँ मैं बोलते बोलते चुप हो जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ. तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ इन दिनों काफी सारे मीम्स दिख रहे हैं हमें, बहुत सोशल मीडिया पे. स्पेसिफिक क्रिकेटर के बारे में तो कुछ ज्यादा ही हाइप है, वाइब है पूरा. आई डोंट नो, फैन वाली चीजें, वो एक स्टारडम होता है इनका, वैसा स्टारडम काइंड ऑफ मीम्स में आ रहा है जितना, क्योंकि हमें नॉलेज इतनी कम है. अभी जस्ट स्टार्ट करने के पहले हमने पूछा कि थोड़ा कुछ बता दो, मतलब क्या है, क्या सीन क्या है, क्योंकि इनके मीम्स दिख रहे हैं बहुत सारे लेकिन हमें इतनी कम नॉलेज है, तो वी आर लाइक अच्छा ठीक है, मतलब ज्यादा समझ नहीं आ रहा है ना. तो आफ्टर बहुत सारे मैसेजेस के बाद हमने सोचा हम इस चीज पे रिएक्शन देने वाले हैं. तुम दोनों मुझे कवर अप करो, देखना भी चाहते हैं क्या है. एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर इंटरव्यू का एक क्लिप है, तो दैट्स एक्साइटिंग. दैट्स नॉट जस्ट सम यू नो एक नॉलेज वाला वीडियो जैसा, नहीं इसको प्रॉपर एक इंटरव्यू में हमें कुछ देखने मिलने वाला है. आई थिंक लेट्स स्टार्ट, उसके बाद ही शायद हम बातें करते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं है. नसीम शाह, शाई टू योर इंडियन एक्ट्रेस. नसीम, अब हम भाई लोगों से जब बातचीत कर रहे होते हैं, पहले जब करते थे तो सब बाबर आजम का नाम लेते थे, अब नसीम शाह का, खासकर लड़कियां बहुत नाम लेती हैं. इंडियन मीडिया बहुत चला रहे हैं कि उर्वशी आपके लिए आती है पाकिस्तान का मैच देखने, आपको क्या फील किया? यार मुझे तो सही बताओ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता. मैं तो ग्राउंड में खेलता हूँ और इस तरह लोग वीडियोज वगैरह भेजते हैं, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है. और जो भी देखने आते हैं उनकी मेहरबानी है कि ग्राउंड आके मैच देखते हैं, और जो भी पसंद करते कोई भी हो तो मेरे लिए अच्छी बात है. कोई भी मेरे लिए आता है, मैं कौन सा आसमान से आया हूँ, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग प्यार करते हैं तो अच्छी बात. आपने उर्वशी का नाम सुन के मुस्कुराया है क्या? बाकी आपको नहीं पता कि आपको देखने आती है, और क्या फ्यूचर में कोई प्लान है क्रिकेट के बाद के शोबिज की तरफ जाना? यार नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है. और स्माइल तो आपके सवाल पे आ रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है, क्या नहीं पता. और पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ. लेकिन कोई इस तरह का प्लान नहीं है, अभी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है और सिर्फ क्रिकेट खेलनी है. नसीम, एशिया कप से पहले आप उस लेवल के फेमस नहीं थे, लेकिन बड़ा टूर्नामेंट जो होता है वो हर खिलाड़ी को फेमस करता है. केएल राहुल को आपने बोल्ड किया, उसके बाद जो आपके दो छक्के, ये सबसे ज्यादा इसने आपको फेम दिलाया. सबसे ज्यादा किस इंसान को इस चीज का क्रेडिट देंगे कि सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको इसने करियर में किसने किया? देखिए, करियर में जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको सपोर्ट जो करते हो आपके फैमिली वाले होते हैं, आपके घर वाले, आपके स्पेशली पेरेंट्स आपको जब सपोर्ट करते तो आप क्रिकेट खेलते हैं, और उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया. और आई थिंक जो स्पेशली सारे पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं जब पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन स्पेशली जो मेरे इलाके के लोग हैं, क्योंकि मैंने मेरे भाइयों ने मुझे वीडियोस भेजे हैं, वो सारे गांव में निकले थे और काफ़ी उन्होंने जश्न मनाया. तो आई थिंक एक ज़बरदस्त चीज़ होती है कि आपके अपने जो इलाके के लोग हैं वो आप पे फ़ख्र करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं आपकी जीत में. तो आई थिंक सबका शुक्रिया है कि सारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब मैच जीते हैं, तो जब मैं छोटा था और पाकिस्तान या इंडिया का मैच होता था या कोई भी इस तरह का मैच होता था, तो आई थिंक मुझे अभी भी याद है कि मैं मैच जब पाकिस्तान हारता था मैं खुद रोता था. तो ये एक नेचुरली चीज़ है कि सारे ऐसे होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मेरे से वो काम करा दिया कि पाकिस्तान मैच जीता, तो मुझे खुद बहुत खुशी थी. कितने खुशी थी छक्के मार के जवाब देने से, बैट से जवाब जो दिया, उसके बाद जो ऑप्शन आपने बैट किया है वो कब, उसकी बकायदा तौर पर तकरीर कब कर रहे हैं, उसकी ऑनलाइन करेंगे या कोई तकरीर में जाएंगे? यार देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आई थिंक आप सब लोगों को ये पता होगा कि जब 9 आउट हुए तो अगर 100% लोग मैच देख रहे थे तो 99% लोग तो हार गए, तो यही सोच रहे थे कि यार अब तो मैच चला गया, और उनको भी ये पता चल गया था कि अब मैच हाथ से निकल गया. लेकिन
मुझे यही था कि यार वो जिस तरह बीच में जो भी कुछ हुआ, और क्योंकि पाकिस्तान को जब ज़रूरत होती है पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के लिए इस तरह का मैच जीतना, तो आई थिंक मुझे उस टाइम खुद भी नहीं पता चला कि मैं कैसे स्प्रिंट लगाया और क्या क्या किया, और सारे बाग के जिस तरह आए तो आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त था कि उस टाइम पे ज़रूरत थी और अल्लाह ने करा दिया, क्योंकि मेरा सिर्फ बिलीव था और बस यही सोच थी कि अल्लाह ताला मदद करेगा, बस मैंने बस बॉल को देखते हिट करना और अल्लाह का शुक्र है वो हो गई। ऑक्शन पे बैट तो लगाया हुआ है, देखते हैं इंशाल्लाह कि उस पर क्या आते हैं, जो जितने ज़्यादा पैसों पे जो ख़रीदेगा उनको मिलेगा, और कोशिश यही है सारे जितने भी उसके पैसे है कुछ जो फ्लड में जो लोग वो हुए हैं उनमें, और उसके अलावा बाकी भी बहुत चीज़ें हैं तो वो उनमें मैं दूंगा सारे इंशाल्लाह। हाउ क्यूट, ही इज सो क्यूट, दिस एकदम रॉ, एकदम रॉ, वो बहुत इनोसेंट है, मतलब बहुत ऐसे यू नो जैसे हम एक कैजुअल फ्रेंड से बात करते हैं, ही इज दैट पर्सन विदाउट इतना सा भी एटीट्यूड। मैं थोड़ी ना कोई ऐसे हो रहा है आसमान से मुझे देखना है, बट ठीक है मुझे देखने आए तो मैं खुश हूं। थैंक गॉड, ओ गॉड, ही सच अ क्यूटी, मतलब कितने रॉ है एक्चुअली, यू नो ये सब में रहता है कि सेलिब्रिटीज को आप जब इतना ग्राउंडेड देखते हो, और स्पेशली यू नो इनका तो आई थिंक करियर का अगर इतना बड़ा एक्सपोजर था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी इनको, मैं क्रिकेट देखती भी नहीं हूँ लेकिन मैं इनको जानती नहीं थी, कुछ कुछ प्लेयर्स को मैं जानती हूँ, बट इस बार इनके इतने, मतलब अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग क्रिकेट, इस बार इनके इतने हमने फीड पे पोस्ट देखे हैं, कभी कोई रील कभी कोई, मतलब इतने डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें कि एक्चुअली वो ऐसा होता ना कि भाई ये कौन है, और ऊपर से प्लस उर्वशी और इनका जो भी हो रहा था उसके लिए इतने सारे क्या बोलते हैं, उर्वशी का कितना कम था, मुझे इन दोनों का ऐसे कोई एक होता ना मे बी कंपाइलेशन जैसा कोई मिल जाए जहाँ पे ऐसे कुछ देखे कि क्या 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 है बैक टू बैक स्टोरी, सो दैट अपन को एक वेरीफाइड पता हो कि हाँ ऐसा हुआ था वैसा वाला। He's so cute, he's so grounded. इनके इंटरव्यू और देख मुझे बहुत रो लगे यार, ऐसा लगा कि एकदम डिसेंट, बहुत जेन्युइन है, बस हाँ जो है बहुत अपने जैसे टाइप की फीलिंग। वही वही तो मैंने स्टार्ट में आवाज लाइक कि यार इनके रिप्लाईज कितने अनफिल्टर्ड, कितने ऐसे कि भाई ये है, एंड समहाउ उनके पास वो वर्ड्स है कि वो इतना इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। एग्जैक्टली, जब उन्होंने वो बताया कि जब मैं छोटा था अगर पाकिस्तान आता था मैं भी रो जाता, तो अब मैं उस चीज के लिए थैंकफुल हूँ कि मेरे कारण लोग खुश हो रहे हैं। किस चीज का मतलब पूरा ये जितने भी मैचेस अनाउंस हुए कोई भी चीज उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया है खुद पे, हमेशा यू नो अल्लाह के लिए, मतलब या फिर कोई भी चीज उन्होंने ये नहीं किया है कि हाँ मैंने कुछ किया वैसा। रियली लाइक है, मतलब बहुत मस्त पर्सनालिटी है इनकी, बहुत आई थिंक इनके बोलने में वो एक अपनापन है जिससे इनके रिलेट करता है, इनके लुक्स का फैन होना भी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, ड्रीम आईब्रोज, वही डिंपल्स यार इनका, वो भी चीज कितना अच्छा था वो बैट ऑप्शन पे लगा, बहुत अच्छी उनकी बातें एक्चुअली बहुत अच्छी थी, बहुत यू नो जो भी बातें करी, मुझे वही लगा कि बैट ऑप्शन का इतना क्यों वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं। नाइस, ये हर जगह होता है क्या बैट वाला ऑप्शन पे देना, खुद पे डिपेंड करता है। ओके, वेरी नाइस, और ये तो आई थिंक एकदम रॉ होगा, या मतलब ये वाली चीज अभी तो फिर भी सबको पता होगा कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं। अरे तो इसका स्टार्ट भी तो उन्होंने कितने अच्छे से किया था कि मैं तो क्रिकेट खेलने जाता हूँ, वो तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों का प्यार है, कोई देखने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो देखने आ रहे हैं, कितने अच्छे से उन्होंने सब बात करी, लाइक इट, वेरी यू नो आई वांट टू, ही इज नेगेटिव में सेल्फ सेंटर्ड है, एक होता है इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड होता है ये इतने से भी नहीं है, वो उसमें भी अच्छा, नीचे कि सामने वाला वो दे रहा है, आई नो मतलब जीरो के पीछे जो नेगेटिव होता है, मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर रही हूं इसलिए। यार उन्होंने क्या जिताया मैच को, 99% मैच गया, मतलब ऐसा था कि एक विकेट और ऑल आउट, उन्होंने बोला वैसे, मैं देख रहा था, मैं पापा सब देख रहा, मस्त आया मैच, सही लग रहा मैच। एंड एक और मुझे अब ये देखना है कि उर्वशी के साइड से स्टेटमेंट क्या है, एग्जैक्टली, ओहो जानना है यार, मे बी इसके कॉमेंट्स हमें काफी सारी चीजें जानने मिलेगी, तो मे बी इनकी स्टोरी थोड़ी तो आगे बढ़ी होगी ना, लाइक कुछ तो और हुआ। अरे ऐसे काफी सारे अलग 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 क्लिप्स हैं, अलग अलग वीडियोस हैं, सो उनमें किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है, पता नहीं,
आप लोग बताओ. यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. सी यू.